अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता की कमान संभालने के चंद घंटों दूर है या चंद कदमों दूर है इस समय तालिबान की सरकार, तो अशरफ गनी सरकार में उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्ला सलेह ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। एक बात यह जानने की बहुत आवश्यक है कि अशरफ गनी तो देश छोड़कर भाग गए, लेकिन अमरुल्ला सलेह जो उपराष्ट्रपति अफगानिस्तान के, वो देश छोड़कर नहीं गए, वो पंजशेर के इलाके में चले गए जो अहमद शाह मसूद का इलाका माना जाता है, और उनके बेटे के साथ वो अब मिलकर उन्होंने एक ट्वीट किया जिसको कहा ज्वाइन द रेजिस्टेंस, यानी विरोध करो तालिबान का। तो दूसरी तरफ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, क्या वो रास्ता रोक पाएंगे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का जो कंदहार पहुंच चुके हैं और अब कंदहार से काबुल की तरफ कूच कर रहे हैं। रविवार को काबुल में तालिबान के पैर पड़े, पहली बार इसके खूंखार नेता सालों बाद टीवी के पर्दे पर दिखे। तालिबान के बारे में बात करते, तालिबान के बारे में बड़े बड़े दावों का बखान करते, दुनिया को गुमराह करने की तमाम कोशिशों के बीच अब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता संभालने को तैयार है। इसका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नेता मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर पूरे 20 साल के बाद मंगलवार को ही कंधार पहुंच गया था और अब वो काबुल आ रहा है। सालों बाद लोगों ने उसकी झलक देखी है। कंधार में उसका खैर मकदम देखकर लगता है कि कितने आतंकी उसके साथ हैं। उसके आने के मौके पर कंधार में हर तरफ हथियार बंद आतंकी दिख रहे थे। बरादर जिस तरीके से काबुल पर कब्जे का हर पल अपने लैपटॉप पर देख रहा था, उससे भी लगता है कि उसकी हर हरकत पर बारीक नजर थी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या तालिबान का राज तिलक इतनी आसानी से होगा जितना समझा जा रहा है? क्या तालिबान का राज आसानी से आएगा? क्या बरादर बिना बवाल सत्ता संभाल पाएगा? क्या तालिबान को कोई चुनौती नहीं मिलेगी? और क्या सालेह बरादर का रास्ता रोकेंगे? पहले मुल्ला बिरादर की बात करते हैं। बरादर आतंकी तालिबान का सह संस्थापक है। 53 साल के बरादर की तालिबान पर अच्छी पकड़ है। हेबतुल्ला अखुंद ज़ादा के बाद बरादर तालिबान का दूसरे नंबर का नेता है। वो तालिबानी लड़ाकों को आदेश देता है, वो कमान संभालने को तैयार दिखता है, वो खुद को अफगानिस्तान का आका मान चुका है। 2010 में बरादर को ISIS ने कराची से गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब बात करते हैं उस चुनौती की जो बरादर की राह का कांटा बन सकती है। असल में अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने दी है तालिबान और मुल्ला बिरादर को सीधी चुनौती। सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। सालेह ने ट्वीट करके कहा, संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति की मौत, भाग जाने, गैर मौजूदगी या इस्तीफे की हालत में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति होता है। मैं अपने मुल्क में हूं और देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति हूं। मैं सहयोग और आम सहमति के लिए नेताओं से मिल रहा हूं। अब जरा आतंक को सबसे बड़ी चुनौती देने वाले सालेह के बारे में जान लीजिए, जिन्होंने दो टूक कहा है कि वो तालिबान के खिलाफ जंग लड़ेंगे। सालेह गनी सरकार में उपराष्ट्रपति थे। गनी की तरह सालेह मुल्क छोड़कर भागे नहीं। अब्दुल रशीद दोस्तम के बाद उन्होंने फरवरी 2020 में उपराष्ट्रपति पद संभाला था। इससे पहले वो 2018 और 2019 में अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री रहे। उन्होंने मुजाहिदीन कमांडर अहमद शाह मसूद के तहत लड़ाई लड़ी है। सालेह के तेवर और जज्बा देखने लायक है। उन्होंने तालिबान के खिलाफ सीधी लड़ाई की हुंकार भरी है, उस तालिबान के खिलाफ जिससे दुनिया सहम जाती है। जरा सालेह की बात पर गौर कीजिए। सालेह का कहना है कि तालिबान के साथ एक छत के नीचे कभी भी नहीं रहूंगा, तालिबानी आतंकियों के सामने नहीं झुकूंगा, कमांडर शाह मसूद की आत्मा के साथ छल नहीं करूंगा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद सालेह पंजशीर घाटी चले गए थे, वो इलाका जहां तालिबान कभी कब्जा नहीं कर पाया। अब देखना यह है कि क्या सालेह इतनी ताकत जुटा पाते हैं कि काबुल की तरफ कूच कर पाएं। लेकिन अगर वो ऐसा कर पाते हैं
तो तय है कि तालिबान का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। जो जुल्म और सितम वो इस वक्त काबुल में कर रहा है, हो सकता है कि उसके ताबूत में कील ठोक दे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।